डियर सखी, हो सके तो मुझे माफ करना। बहुत दिन हो गए तुम्हें खत लिखे हुए। जानता हूं एक दूसरे से मिलने की तरह ही तुम मेरे खतों का भी इंतजार कर रही हो। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश भी तो यही थी ना कि मैं पहले की तरह ही हर दिन तुम्हें एक खत लिखूं। मैं भूला नहीं हूं, याद है मुझे। ओह देखो, मैं आज फिर पूछना भूल गया। कैसे हो? ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, तेरे जाने के बाद थोड़ी सिगरेट ज़्यादा पीना शुरू कर दिया था, मगर अब कम कर रहा हूँ। अरे सच्ची, अब पूरे दिन में इक्का दुक्का पीता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। अब खाली समय में वही बस पहले की तरह ही ज़्यादातर फ्री देखता रहता हूँ, नहीं तो दूसरों के किस्सों और कहानियों में डूबा रहता हूँ। फिदा फिदा कहूँ तो खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता हूँ। आज जब एक कहानियाँ अपनी सी लगने लगती है, ज़्यादा चुभने लगती है, तब लिख लेता हूँ। और तुम्हें पता है, लिखने से टिस कम हो जाती है, इसलिए मैं एक ही चीज़ को बार बार लिखता हूँ और बार बार पढ़ता हूँ। अब तुम ये सोच रही होगी कि तब तो मैं रात को सोता नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं है। अरे सच में ऐसा नहीं है, रात को जल्दी सोने की कोशिश करता हूँ। हाँ, कभी कभी बिस्तर पे लेटे लेटे खिड़की से सूर्यदेव दस्तक दे देते हैं, मगर ऐसा कभी कभार ही होता है। वैसे वहाँ सब ठीक है ना? जानता हूँ तुम इस नई जिंदगी में थोड़ी परेशान होगी, थोड़ी व्यस्त होगी और थोड़ी अकेली अकेले से, क्योंकि नई जगह है, नए लोग हैं, सब कुछ नया है वहाँ। कुछ समय लगेगा ही तुम्हें वहाँ घुलने मिलने में, मगर मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम जल्दी ही घुल मिल जाओगे। या फिर मैं गलत हूँ, पता नहीं, तुम बताना जवाब में खत लिख कर। हाँ, कॉल नहीं करता इसलिए कि मेरे कॉल तेरे मन को और भी विचलित कर देगा, जो कि मैं कभी चाहता नहीं। और मैं पहले की तरह ही हर बात बता नहीं पाऊँगा, और जानता हूँ तुम भी। पता है, कहते हैं कि वक्त को गुजरने में वक्त नहीं लगता, मगर वक्त से गुजरने में सदियाँ लग जाती है। इसलिए भी मैं अतीत को अतीत में रख कर आज में जीने की कोशिश कर रहा हूँ। जानता हूँ कि कहना जितना आसान है, करना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है, पर गुलाब होठों तक लाते समय अगर कांटा हाथ में चुभ जाए तो उसे फेर तो नहीं देते ना? तो फिर उन बुरे सपनों के वजह से इतने फाज लम्हे को कैसे भुला सकते हैं? ऐसा मैं मानता हूँ, तुम भी यही मानती हो क्या? जवाब में लिखना, इंतजार रहेगा तेरे जवाबों का, तेरे खतों का। और सुनो, मैं तुमसे दूर हूँ ऐसा ना मलाल रखना, मैं अपना ख्याल रखता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना।